अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.upitak.in पर। ये भारत का संविधान है, हम ये जानना चाहते हैं योगी जी से कि आप भारत के संविधान के वनस्पत चलना चाहते हैं कि अपनी एक माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द स्टेट शुड बी सेकुलर इन नेचर। स्टेट जो है कभी भी पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। केवल आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को मत देखिए, केवल मुस्लिम कम्युनिटी को देखने में क्या है कि एक पॉलिटिकल एंगल है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दो। आप पूरे वर्ल्ड में आप मुझे एक कंट्री बताइए जो वेजिटेरियन है। हम मौजूद हैं मथुरा के दरेसी इलाके में। यह वो इलाका है जहां मीट का कारोबार करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर जब मथुरा आए तो उन्होंने कहा मांस व मदिरा मथुरा में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। उसके बाद इस कारोबार को करने वाले लोगों के चेहरे पर चिंताएं की लकीरें बढ़ गई हैं कि आखिर अब क्या करें। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की परेशानी उनके सामने आने वाली है और क्या कहेंगे इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। आप क्या कारोबार करते हैं? मेरा जितना भी पूरा रिश्तेदारी है सब यही इसी काम करते थे, और काफ़ी वक्त हो गया है कि अब ये काम यहाँ पर नहीं हो सकता है। काफ़ी ऐसा पीला है लोगों के अंदर जो है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है जो। पर जैसा अभी आपने कहा, दो तीन चीज़ों पर थोड़ा सा एतराज़ बनता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि सब मथुरा में मांस बंद होना चाहिए, मदिरा वाली तो हम शराब पीते नहीं, तो मदिरा वाली जाने। मांस के ताल्लुक से ये भारत का संविधान है, हम ये जानना चाहते हैं योगी जी से कि आप भारत के संविधान के वनस्पत चलना चाहते हैं कि अपनी एक माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द स्टेट शुड बी सेकुलर इन नेचर। स्टेट जो है कभी भी पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये बयान एक मेजॉरिटी जनमानस के लिए, केवल आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को मत देखिए, केवल मुस्लिम कम्युनिटी को देखने में क्या है कि एक पॉलिटिकल एंगल है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दो, बल्कि रियल ग्राउंड हकीकत है क्या? आप पूरे वर्ल्ड में आप मुझे एक कंट्री बताइए जो वेजिटेरियन है, कोई नहीं बता सकता। इंडिया का कोई एक स्टेट बताइए जो वेजिटेरियन है, नहीं बता सकता। कोई एक सिटी बताइए जो प्योर वेजिटेरियन है, नहीं बता सकते। क्या एक वर्ल्ड में जो है मिसाल पैदा की जाएगी कि मथुरा जो है प्योर वेजिटेरियन एक सिटी है? बहुत बेहतरीन मिसाल होगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है। हरिद्वार भी वेजिटेरियन जगह है, हरिद्वार में सर खाने वाले वहाँ पे भी है, तो बिकता तो नहीं है ना वहाँ पे सर। एक आप बात कर रहे हैं पूरे देश की, मैं तो केवल यहाँ पर आपत्ति, केवल यहाँ पर आपत्ति, केवल आपत्ति और अधिकार केवल खरीदने और बेचने वाले से ताल्लुक नहीं रखता, खाने वाले से भी ताल्लुक रखता है। आप खाने वाले को, पहनने वाले को किस अधिकार से रोक रहे हैं? मैं अगर खाना चाहता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा खाना चाहता हूँ, मैं मुर्गी खाना चाहता हूँ, स्टेट कैसे रोक सकता है मुझको? खाने से थोड़ा ही रोक रहे हैं वो तो बेचने सर, से जब मिलेगा ही नहीं कहीं भी खाओ, कौन मना कर रहा है? मिलेगा ही नहीं, खरीदने से मना थोड़ा ही किया उन्होंने सर। कहीं से खरीद के ला के आप अपने घर पे खाइए, कहाँ से? कहीं से भी खरीद के, कहाँ से? अरे यहाँ से, आगरा से खरीद के लाइए, कोई चीज यहाँ नहीं बाहर भी जाते हैं। वही एक चीज है, मतलब एक इतना उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए भाई। आगरा आप यहाँ से देखिए, कम से कम इंसान को जाने में पूरा दिन लग जाएगा, आएगा जाएगा, दो घंटे जाएगा, दो घंटे आएगा, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ये सीधा सीधा एक संविधान का उल्लंघन है। क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? ये एज इट इज जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहे? नहीं, हम ये चाहते हैं सर कि यहाँ पर कानून संविधान का पालन हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगातार ऑर्डर्स हैं जिनकी अवहेलना की जा रही है, जिनकी अवमानना की जा रही है। ये हमारे सामने ऑर्डर मौजूद है 17/8/1998 का, इसमें साफ मौजूद है। आज तक स्टेट ने इसको फॉलो नहीं किया। जब इस स्लॉटर हाउस को जो है यहाँ पर बंद किया गया, तब इसमें साफ लिखा हुआ है टिल द अल्टरनेटिव साइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द लाइसेंस पर्सन हु वाज स्लॉटरिंग द एनिमल्स इन मनोपुरा पब्लिक स्लॉटर हाउस, इट अपीयर डिजायरेबल दैट ऑल सच पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव जॉब बाय मथुरा म्युनिसिपल बोर्ड। जब तक आप दूसरा स्लॉटर हाउस बना, अच्छा अभी 4-5 साल पहले जो है 2017 में, ये देखिए उन्होंने एक बात और कही थी कि उनको पुनर्स्थापन नया कारोबार करवाया जाए। उसी बात, आप लोग अगर कोई नया कारोबार मिलता है तो उसे करेंगे या उसी यही करेंगे? जब योगी जी बैठे थे कुर्सी पर, 17 की बात है, 17 में बैठते ही उन्होंने एक धमाकेदार ऑर्डर पास किया था, साहब जितने भी इसी मीट के ताल्लुक से बंद करो, ये सब हुआ था। मगर हुआ क्या था फिर? हाई कोर्ट ने क्या किया? ये एपी शाही जी का ऑर्डर है और सबको मालूम है, हर चैनल ने, हर मीडिया ने कहा, फटकार लगी यूपी स्टेट के अंदर। यूपी स्टेट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है स्लॉटर हाउस बनाना। कोर्ट ने याद दिलाया ये आप ही का काम है और आपको ही बना के देने पड़ेंगे।
कोर्ट ने कहा आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। जब फिर जवाब क्यों नहीं बना आपके पास में, कोर्ट ने पूछा कि जब आपके जो छावनियां हैं मथुरा में भी छावनी है, क्या दोगे आप, कैसे दोगे भाई आप एक तरीके से पूरे। अच्छा आप दो तीन तरीके से देखिए, इकोनॉमिकल सिस्टम को आप पूरा मिस्टेक कर रहे हैं। एक बहुत बड़े जनमानस को कह रहे हैं आप दूध बेचिए। यहाँ पर हमारे जो है यादव भाई है हमारे, जो हमारे मूल निवासी वंश के हैं 85% में, एक लिमिटेड लोग वो दूध का काम करते हैं। यहाँ की पूरी आबादी को दूध पे लाके छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कितना बड़ा कारोबार होगा यहाँ पे, कितना टर्नओवर होगा पैसे की अगर बात करें। नहीं एक एवरेज आप मान लीजिए कि अगर एक समाज पे दो तीन समाज, क्योंकि यहाँ का एक देखिए आपको कह रहा हूँ आप ये बताइए कितने का टर्नओवर होगा यहाँ पे, कितने करोड़ का मीट बिकता होगा महीने में। नहीं करोड़ का नहीं, हम तो एक ये देखेंगे कि भाई पहले किसी काम को 10 लोग करने वाले थे, अब उस काम को करने वाले जो 40 लोग हो गए, तो उसका प्रॉफिट और कंपटीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अगर हम जो है मान के चलिए इस आप दूध वालों पे ले जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोगों में आपस में विवाद पैदा होगा। जो दूसरी एक चीज़ कि जब आपसे ये कहा गया कि पुराने आदेशों में कि भाई आप इनका पालन किए, उनका तो पालन अभी तक हुआ नहीं। मथुरा के अंदर केवल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जो मास के उससे जुड़ी है, यहाँ का हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जो हमारे भाई है वो इस काम में है, सब जानते हैं। यहाँ का जो खटीक समाज है केवल इसको अगर मुस्लिम जाटव समाज है हमारा, और बेशुमार लोग उसमें जो ऐसा किसने कहा है कि मुस्लिम समाज से लिए बंद किया जाए, कोई समाज का नाम नहीं है यहाँ पर। आरएसएस की नीति है सर, मास और मदरा की बात करिए, मुस्लिम समाज की तो कोई बात नहीं हुई सर। ये हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, मीडिया में है आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गेम वही होता है जब तक उनको। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम महराज अली है। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट क्या आप कारोबार करते हैं का? हाँ मेरे चाचा करते हैं। कितना टर्नओवर होगा? टर्नओवर काफी है, कई हजार लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन 1998 में एक आदेश जो है माननीय हाईकोर्ट ने किया था, उस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। हमारा पुनरुद्धार कैसे होगा, हम कैसे भरोसा कर लें? आज तक गवर्नमेंट, चलिए आप इसको धार्मिक स्थल घोषित कर रहे हैं, धार्मिक स्थल आपने घोषित कर दिया, घोषित करने के बाद में हमारे लिए क्या वो है? क्या गवर्नमेंट हमारे लिए सेलेक्टर हाउस बनाकर देगी? इस चीज की गवर्नमेंट पुष्टि करे क्या? हमको दूध के कारोबार से क्या मतलब है? अगर कहीं और देते हैं बना के तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? ये तो 1998 में आदेश पारित हो चुका है सर, 23 साल बाद भी ये आदेश का पालन नहीं हुआ हाई कोर्ट का, 23 साल बाद तक ये आदेश का पालन नहीं हुआ, तो हम कैसे यकीन कर लें इस सरकार पर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद। क्या कारोबार करते हैं आप? मीट के ही करते थे। करते थे, अब बंद हो गया? जिस दिन से 2017 जो बंद हुआ उसी दिन से बंद कर दिया। उसी दिन से बंद कर दिया। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपके? बहुत दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में, दवाई में, कारोबार है नहीं। ये तो हम लोगों के बहुत बहुत लोग परेशान हैं, दसवीं हर आदमी जो हुआ है सब परेशान है। अब क्या कर रहे हो इसे छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद मेहनत मजदूरी या कोई सब्जी वगैरह ये कर लेते हैं। तो जीवन सही चल रहा है या सब मामला फेल है? पुलिस उत्पीड़न होता है। जीवन तो बहुत कठिन है, देखो कारोबार जब आदमी का एक ख़त्म हो जाता है तो आदमी परेशानी में दिक्कत में तो आ ही जाता है। यो तो अब हम यो तो बड़ी मेहनत से सब्जी वगैरह या कुछ भी ढगे या फल उससे अपना घर गृहस्थी का पालन पूरा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार क्या करते हैं? गोष्ठी काम करते थे। अच्छा, आप भी सरकार कह रही है कि इसको बंद किया जाएगा, उसके बाद किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं? जाहिर सी बात है भुखमरी की समस्या आएगी और क्या आएगा। और सरकार कह रही है दूसरा कारोबार कराया जाएगा सभी लोगों को, बीच का सरकार उसके लिए तैयार है? कहती तो है, कराती तो नहीं है। कराएगी तो हम करेंगे दूसरा कारोबार अपने बच्चों को पालने के लिए, क्यों नहीं करेंगे? कराए सरकार तभी तो है, कराएगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। पेट तो पाला जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हमारे माँ बाप भी बूढ़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी जो है भविष्य सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं। वंचित पूरा एरिया पड़ा हुआ, प्लास्टर लोगों के मकानों पर नहीं है। यहाँ कब से कर रहे थे कारोबार? विरासत इसी में गुजर गई हमारी, ब्रिटिश दौर से यहाँ सिलाडर है, ब्रिटिश दौर से हम जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े बूढ़े और हम भी इससे जुड़े हुए थे। देखें आप जवानी में हमारे हाल देखें, भारत में हमारे शहरों पर बिल्कुल जाएंगे और स्वागत करेंगे हम। अगर सरकार हमारे लिए कहीं और बना कर दे तो हम तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं, क्या होगी हमारे लिए कि कहीं और थोड़ा परेशानी होगी लेकिन कारोबार तो मिलेगा सर हमको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जब लोगों से बात की गई
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने रोजगार का बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये जो भी कुछ चल रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए। मदन गोपाल शर्मा, यूपी तक के लिए।